भूमि का बड़ा प्रभाव होता है महाराज। और एक निवेदन आप सबसे करूंगा, जिसके घर में क्लेश ज्यादा मचता हो, बहुत ज्यादा क्लेश मच रहा हो, बहुत ज्यादा झगड़े होते हो, बहुत ज्यादा, तो महाराज शंकर भगवान पर थोड़ा सा चावल एक कटोरी में गला लो, थोड़ा सा चावल गला, गला कर उसको पीस लो, पीस कर उस चावल में थोड़ा सा चंदन, थोड़ी सी हल्दी डाल लो, उसका उपटन तैयार करो। बुधवार के दिन, कोई भी बुधवार, शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उस चावल का लेपन करो, 7 लोटा पानी, मात्र 7 लोटा पानी शंकर को समर्पित करो, शिव को समर्पित, अपनी कामना कर अपना भाव रखकर जब वापिस चलो, जिस कटोरी में से भगवान शंकर को आपने उपटन लगाया था वही कटोरी घर लेकर आओ। घर के मूल मूल स्थान जो भी हैं, हर हॉल में कमरे में उसकी एक एक बिंदी लगा दीजिए। मात्र 3 बुधवार आप कर लीजिए, आपके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। भूमि का कितना भी दोष होगा सिद्ध, जिस घर में रुपया आ रहा है जा रहा है, 1 रुपये कमा रहे हो, 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा, व्यापार तो अच्छा कर रहे हो, घर में 4-4 लोग कमा रहे हैं, सब कोई मिलकर कमा रहा, तो भी पैसा नहीं दिख रहा, तो भी धन नहीं दिख रहा, रुपया नहीं दिख रहा, महाराज अगर धन संचिता में नहीं पड़ रहा, धन संचिता में नहीं आ रहा, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है तिल्ली का लेपन। तिल्ली काले कलर की तिल को लेकर उसके साथ में थोड़ा सा चावल, और हमारे यहाँ चावल के साथ में चावल की धान आती है, आपको बाजार में मिल जाएगी चावल की धान, जिसको जौ का भाग अलग हो जाता है, जौ गेहूं की हो जाती है, पर चावल की धान कहते हैं उसको। इन तीनों को एक कटोरी में रख लो, तीनों को पानी में गलाना नहीं है, बस कटोरी में रख लो महाराज। दरवाजे के नजदीक में, जब दरवाजे से अपन बाहर निकलते हैं तो उल्टे भाग में उसको रख दिया जाए। घर से 1 लोटा पानी जिसमें कच्चा दूध मिला हो, वो कटोरी शनिवार के दिन रखकर रविवार को उठाकर ले जाकर कलश नीचे रखकर सीधे हाथ में कटोरी रखकर शंकर जी को समर्पित कर दो, जल चढ़ा दीजिए, बाबा भोलेनाथ के जो चरण पादुका है उस पादुका में वही तिल्ली, वही चावल का भाग, वही जौ, जो आप चावल का धान बोलेंगे धान, उसको लेकर दोनों भाग पर समर्पित कर दो। आते समय वो दोनों भाग पर चढ़ी हुई तीनों चीजें उठाकर लेकर आ जाइए, दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय वाली जगह पर उसको रख दीजिए। कभी जिंदगी में संपदा कम नहीं होगी, संपदा बढ़ेगी। 3 रविवार आपको करना, सुख की प्राप्ति के लिए, ये भूमि के दोष को मिटाने के लिए। आपको कथा में पहले भी कहा था, 12 नक्षत्र समय घड़ी पल दिन, ये जितने भी बनाए हैं मेरे महादेव ने बनाए, मेरे शंकर ने निर्मित किए, एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक क्षण शिव बनाता है शंकर। शंकर निर्माण करते, भूमि का प्रभाव होता है। स्वयं श्रवण कुमार पर हुआ, भगवान श्रवण कुमार अपने माता पिता को जब छकड़े में बिठा कर ले जा रहे हैं, कांवड़ में बिठा कर ले जा रहा है, तीर्थ कराने ले जा रहे हैं, और बीच में एक गांव ऐसा पड़ा जहां पर श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप से कहा उतर नीचे, श्रवण कुमार बोलते हैं अपने माता पिता से, नीचे उतर जाओ, उतरो नीचे, और शांतिन मुनि और सुहांगी दोनों
जिस छकड़े में बैठे थे अंधे माँ बाप, अंधे माता पिता, उस छकड़े से नीचे उतर गए। शांति मुनि और स्वांगी श्रवण कुमार के माता पिता नीचे उतर गए। आज स्वांगी के नेत्रों से जल बह रहा है। शांति मुनि बोले, तू रो रही है? स्वांगी बोली, हाँ। क्यों? जो बेटा तीरथ कराने ले जा रहा था, वो बेटा आज मेरे को चिल्लाकर बोलता है कि तुम नीचे उतर जाओ। सुहांगी ने अपने पुत्र से कहा था, बेटा हमें तो तीरथ कराने ले जा रहा है, तो नीचे उतरने का क्यों बोल रहा है? श्रवण कुमार उस गांव की भूमि पर कहता है, तुम आंख से अंधे हो, पांव से विकलांग नहीं हो, पैदल तो चल सकते हो, चलो पैदल, मैं क्यों उठाऊं तुमको, क्यों लेकर जाऊं उठा, क्यों उठाऊं मैं छकड़े पर तुमको? श्रवण कुमार ने मना कर दिया। सुहांगी रोते हुए शांतिन मुनि से कह रही है, आखिर ऐसा हुआ क्यों, क्या कारण है जो ऐसा हुआ? कारण क्या है, ऐसा क्या हो गया जो आज मेरे पुत्र ने आज मेरे हमको नीचे उतार दिया और ऐसे शब्द बोले? थोड़ी दूर शांति मुनि सुहांगी चले, श्रवण कुमार आगे आगे चले, ये दोनों चलते गए, भूमि से बाहर निकले, गांव से बाहर निकले। बेटा माँ बाप के चरण पकड़कर बोलता है, क्षमा कर दीजिए, मेरे मुख से अपशब्द निकल, श्रवण कुमार कह, मेरे मुख से आज अब शब्द निकल गए, जिन माता पिता को मैं तीरथ कराने ले जा रहा था, उन माता पिता को आज मैंने कह दिया इतना गंदे शब्द, क्षमा चाहता हूं। शांति मुनि नेत्र भले नहीं थे, पर तप साधना में इतने प्रखर थे। वो शांति मुनि जो दशरथ जी को श्राप दे सकते हैं कि मैं पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहा हूं, तो तुम्हें भी त्यागना पड़ेगा। उनकी तप साधना इतनी प्रबल थी कि शांति मुनि तप साधना में लीन, भगवान का स्मरण कर देखा कि आखिर मेरे बेटे ने ये शब्द क्यों कहा, मेरे बेटे ने ये शब्द क्यों कह दिया, किस लिए? कभी समझना जरूर, अगर कोई आप पर अपशब्द बोल दे, कोई आप पर अपशब्द बोले, ताने दे, अपशब्द का बाद कर दे, कोई शब्द का घात कर दे, तो समझना कि हुआ कुछ होगा, कुछ तो है। चिंगारी थी तब तो आग लगी है, शब्द बात जरूर कहा। शांति मुनि ने कहा, श्रवण तुम क्षमा मांग रहे हो, तुम्हारी गलती नहीं है, तो गलती किसकी है? श्रवण कुमार कहते हैं, पिताजी किसकी गलती है? शांति मुनि कहते हैं, अरे श्रवण, जिस गांव से हम निकल कर जा रहे थे, ये गांव मैं दानव का था, एक राक्षस रहता था या मैं दानव, जिसने अपने माँ बाप को मारकर, उनके एक एक अंग को काटकर, माता पिता के अंग को जमीन में गाड़ा था, ये वो गांव था, ये वो गांव जहां मैं दानव ने अपने मां बाप के टुकड़े कर इस भूमि पर गाड़ दिए थे, रक्त के सने हुए टुकड़े। ये वो मैं दानव की भूमि है, ये वो मैं दानव राक्षस की भूमि है, जहां पर माता पिता का वध किया गया है। इसलिए श्रवण कुमार, तुम्हारा दोष नहीं है,
दोष भूमि का है, इसलिए तुम इस भूमि पर आए तो तुम्हें क्रोध आया और तुमने अपने माँ बाप का अपमान किया, दोष।